वेलकम टू एनके क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ साइंस का चैप्टर सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है? जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट इट्स मास। मीन्स इसमें जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं? डिजोल्व हो जाते हैं और एक हमको एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। वहीं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। मीन्स इसमें जो आपका जो सॉल्यूट होता है वो डिजोल्व नहीं हो पाता है सॉल्वेंट में। इसका एग्जांपल की बात करें तो वाटर एंड सेंड। मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो डिजोल्व होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो डिजोल्व करवाता है। सो आपका सॉल्यूट स्मॉल प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर प्रपोर्शन में प्रेजेंट रहता है। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज सॉल्यूट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन स्मॉलर प्रपोर्शन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर प्रपोर्शन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, द सॉल्यूशन कंटेंस 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट एंड 350 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो इस न्यूमेरिकल में हमको सबसे पहले सॉल्यूट कौन सा है वो पता करना है। तो जो स्मॉल प्रपोर्शन में होता है वो सॉल्यूट होता है। सो कॉमन सॉल्ट क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्यूट। और जो लार्ज प्रपोर्शन में होता है वो हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट। हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि क्या डिजोल्व होगा। तो कॉमन सॉल्ट क्या होगा? डिजोल्व होगा, तो वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। और डिजोल्व कौन करवाएगा? वाटर डिजोल्व करवाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे? 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? 350 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो हम उन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट यहाँ पे 50 ग्राम है, सॉल्वेंट यहाँ पे 350 ग्राम है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 400 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना है बाय मास, तो उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 400 ग्राम। इनटू करेंगे 100 से तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 12.5%। मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट जो है वो फिनोमिना मेजर होता है किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में। सो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो जब भी एक बीम ऑफ लाइट पास होती है किस सॉल्यूशन से? कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो वो विजिबल हो जाती है बहुत बार, और इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं हम? टिंडल इफेक्ट। मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, वट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सो क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होती है जिससे हम दो कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो फर्स्ट है टू सेपरेट कलर पिगमेंट्स इन डाइज, टू आइडेंटिफाई ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, टू सेपरेट शुगर फ्रॉम यूरिन सैंपल, टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। तो वही है, क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होती है जिससे हम बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। मूव ऑन टू सिक्स क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपोनेंट्स। सो मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर वो होते हैं जो दो कंपोनेंट्स या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो कि वेरिएबल कंपोजिशन में होते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मिल्क एंड वाटर, तो जो मिल्क और वाटर है इनका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। वहीं कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें भी कंपोजिशन होता है, बाकी वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। जैसे एलॉयज होते हैं, तो एलॉयज में क्या होता है? एलॉय क्या होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा मेटल से बना हुआ रहता है, और उनमें जो मेटल है उनका जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। जैसे एक एलॉय की बात करें, ब्रास, तो ब्रास किससे बनता है? कॉपर एंड जिंक से। तो जो कॉपर का प्रपोर्शन होता है वो 70% होता है, और जिंक का जो प्रपोर्शन होता है वो 30% होता है, तो ये फिक्स्ड होता है। तो एलॉय क्या हो जाते हैं? कंपाउंड्स हो जाते हैं। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन, वॉट इज एलॉय, गिव एन एग्जाम्पल। सो एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो वही है,
कि जो एलॉय है वो एक कंपाउंड होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा मेटल से बना हुआ रहता है, और उसका जो प्रपोर्शन रहता है वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। जो भी मेटल उससे बन रहे हैं उनका जो प्रपोर्शन है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे ब्रास है, तो ब्रास क्या है, एलॉय किसका है, कॉपर एंड जिंक का। तो कॉपर 70% होता है और जिंक कितना परसेंट होता है, 30% होता है। थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।